जेते को पास आते मन तो कहानी सुनिए मन जुट गए हा तो कहानी शुरू करल जाए नी। तो महा महानगर रहे बरछी ऊपर मुनि जिहा सवा लाख के छानी और अरुति चूहे ना पानी कुरकुट पान ठोए करे और बुढ़रा भालू है रोए करे ऐसा एक ठे बहुत भारी शहर बसे रहे। तो वो शहर में कहिया था राजा सिंह राम सिंह नाम के राजा हर राज करत रहे जेकर दुई ठान रानी रहे। और दुई ठे रानी रहे तो कहिया था भाई अब राजा के राज हर भाई बड़ा बढ़िया चलत रहे वहाँ ला कहिया तो बाघ के न छेरी के बैर विरोध न एक घाट के पानी ल पिए और चारियों कति हरा भरा हरियर दिखत रहे। अच्छा तो ओ राज हर कहिया राजा ला राज करत 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 जब उमेरी हर आधा हो गई ते घनी राजा ला चटिक चटिक भाई सोच हो परिस कि दुई दुई ठे मोर रानी लेकिन एको झन के बाल बच्चा नहीं नहीं रहे समन ठे। हाँ नहीं रहे हाँ। एको झे रानी ठे तब वो घरी कहते बड़ा आफत हो गई सब मोर राय झा कैसे हो ही आगू कती मोर जांगर थक जही कि जे दिन मर मुराय जही ते दिन के बाद दिन तो साहज हो जही हर बार सोच हो गई राजा के त ऐसे राजा सोच सोच के वाला रात दिन नींद नहीं आवत नहीं आए कहाँ कहीं। तो वही शहर में एक ठे साधु बाबा हाँ? आए के वो डेरा धरे रहे। वाह हरे साधु ता भाई बोकर सुनिन राजा कि भाई यहाँ ला साधु आई से तो मन में सोचा थे कि अरे हम तो जाए देखी हो सकत है कहूँ हमार समस्या ला दूर हो जाए बताए दे ही कुछ उपाय हाँ, नहीं लेकर छुआ पर तो कहा थे ना लेकर छुआ पर तो वो दोनों रानी मतलब लेके राजा और साधु जग गई है और जाए के वहां पहुंचा थे हाँ। और साधु बाबा ला प्रणाम करी हाँ हाँ। तो राजा ला देखा थे साधु तो कह जी भाई शक लागी कि भाई इतना बड़ा राजा मोर जगह आए गई नहीं हाँ। तो राजा कहा साधु राजा ला कहा थे साधु बाबा हाँ। कहा कहा थे कि महाराज ते तो राजा हस नहीं लेकिन मोर जग ते काबर आए तो कहीं गलती नहीं करे हो नहीं करे हो भाई बतावा हाथ जोड़ा थे साधु हाँ। राजा कहा थे कि साधु बाबा मोला हाथ झंझोड़ा मैं तुहला जे काम में आए हैं तेला बताऊ हाँ हाँ। बतावा तो कैसन काम में आए हा हाँ। तो कही चाहे जितना दिन मोर उमेरी हर हो गई इस राज करत करत यहाँ के और मोर दुई ठन रानी लेकिन एको झन ठन बाल बच्चा नहीं तब मोर जांगर थक जही चाहे मर बिलाए गए ते दिन तो हमार राज पाठ हर ठुठंग जही ठुठंग जही घर द्वार हर बिलाला हो जही बिलाला हो जही हाँ। तो यही लग कही से करे उपाय बार आए हैं हाँ। साधु जग साधु लग कहा थे तो वो घरी में साधु बाबा सोच विचार के कहा थे कि भाई राजा वह एक ठे उपाय तो कहीं है मोर था लेकिन करे सखिया ता कहीं भाई बतावा कहा थे भाई कर देखूं हाँ नहीं हाँ। तो कहीं देखा कुमार के महीना और अक्ति के अंधारी रही ते में तो दोनों रानी ले उपास रहुआए के इसन रहुआए के जाई जगुआए जे हाँ और जाई जगे ते ही हाँ। जब सतमी हो ही अंधारी वो सतमी के दिन व्रत रह के जाके चिल्हो रानी ला हाँ। न्योता दे दे जंगल में कि पहाड़ जंगल में जाके भाई जहाँ ठे भेटे अच्छा 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 अब जाके वहाँ ला न्योता दे दे ही हाँ। और न्योता दे के आए जही और खाए पी के आराम से सुत जही अच्छा अब बिहान दिन फिर उपास रह के जही और बोला फिर ले लान ही माझांगन में लाइन के ओकर सेवा डार गाड़ के और सेवा सत्कार कर ही तो हो सकत है ओकर समस्या दूर हो जही चिल्हो रानी ला लाइन के अंगने गाड़ दे ही गाड़ दे ही तो कहो भगवान साथ दे दे तो बढ़िया है दे ओकर सेवा पूर जाए ऐसे सुनिन त राजा कहे ठीक है भाई और वहां ले राजा रानी सब तीनों जन फिर आई जब कुमार के महीना हर पहुंची तो राजा कहते अरे कहीं जाए तो जगा देखा तो दोनों रानी कही है तो दिन जाई जगाइन है दोनों परानी दोनों परानी अंधारी के अक्ति में अब जाई जगाए दहीन और जब सतमी के दिन पहुंच पुर गई
तब दोनों रानी उपास रह के और चल दिन जंगल में वृंदावन जंगल में जंगल और वहां जाके चिल्हो रानी न्योता दे के और आए गई नहा धोए के बढ़िया और अपन भाई खाए पी के सुत गई और बिहान होई से और फिर कही हता उपास रह गई नौ दिन निर्जला निर्जला बरखा उपास बरखा उपास और वो दिन उपास रह के वही जे न्योता दे रहते ही चिल्हो रानी ले जाए के फिर धैर के ले लानी जंगल में जाए के हाँ वृंदावन जंगल में जाए के पहुंची ना वो ले लानी घरे और घरे लाइन के और लाइन के वाला दूध में ओकर गोड़ धोइन है और मांझा आंगन में वाला गाड़ के पानियों में धोई नहीं दूधों में धोई नहीं भाई धोइन और मांझा आंगन में गाड़ के और होम सकला दे के गुड़ घी के ओकर सकला जलावत है अच्छा अच्छा और चिल्हो रानी लो जग स्थापना कर दे इन्हें मांझा आंगन में तो भाई अब कहानी सुनिए मन चढ़ी चाउर छिड़ दे हाँ एक चढ़ी कर्म गीत ल सुन ले आहुति फिर बढ़ाबो ओरे रे चिल्हो रानी बना गाए बने बोला लसी हारे चिल्हो रानी बना गाए बना
माझे आनना में चिल्हो डार गाड़े चिल्हो रानी बना गाए करा मखे लाले झिका झोरे चिल्हो रानी बना गाए कहिया था जब चिल्हो रानी ला तो भाई अब गाड़ दहीन है अब कोटवार ला चिकरुआ दहीन की भाई राजा घर पूरा शहर के लड़का सियान छौड़ी छौड़ा सब कर्म खेले बर रहिया काबर की चिल्हो के डार गड़ी से सेवा करना है ऐसे चिकरुआ के अब वहाँ लोग कोनो मांदर धर के कोई मृदंग धर के कोई झांज मजीरा भाई बानी बानी के सफेर के डोकी डोका छौड़ी छौड़ा सब झन लुहा लटपट लैया पहुँचा था अब हाँ अब पहुँच के वहाँ लग कहिया तो कोनो मांदर झोलत है कोई झांज में झोलत है और पूरा रात अलहर कलहर के कर्मा चिल्हो रानी के सेवा ला करत है तो खेलत 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 जब भिनसार हो गई भिनसार हो तेकर बिहान हुआ थे इंजोर ओ घरी फेर दुनो रानी चिल्हो के सकला होम करके और ओला उठाए के ले गई और ले जाए के ओला नदी में ले के ठंडाई कर दे और उहे ला दुनो रानी स्नान ध्यान करके और फिर है और जाई बोटवाला भेंट के और ओकरे फरहार करत हैं अलग लीला खाई और ओकर ऊपर भाई अपन ने ध्यान ला रखे रही तब कर मतलब तो कहानी सुन ले चटी कहानी ले तो कह बिच कर दो एक चटी फिर सुन ले कर
अब वहां ले फिर इन जाए बोल रहा ऐसा करके। अब भाई मान मनीषा कोई बारह भिजवा बना थे, कोई कहा करा थे, वो गोटा शहर भेर होकर पूजा अर्चना करा थे चिल्हा रानी के। अब ओकरे निहोर में अब वहां खात पिया थे। जब ऐसा करके मल्ला दोनों रानी लग है तप कर, जब साल पूरा थे ना, अब दोनों रानी के यह साल पूरत ले आशा पति हो गई। वाह रे, अब फिर कुमार के महीना आवत ले। हां इतना शक्ति चिल्हो रानी के, चिल्हो रानी के। और जाई जगाए के दिन पहुंचत ले कहे तो दोनों जन कर दोनों रानी मला बेटा ले का हो गई। वाह रे, दोनों ला, दोनों ला, ओहुला बेटा, ओहुला बेटा, दोनों जन ला, छोटकी वाला और बड़की वाला। बहुत सेवा करी नमनो साधु के बताए के बताए के अनुसार। नहीं अब तो कहत राजा के मन खुशी साधु, पूरा शहर में डिंडोरा पिटवा दे, ढोल धमाका बजवा दे। भाई राजा घर में दू दू लड़का पैदा हो गई तो नहीं कम है ओकर घर भाई। हाँ तो उतरी मान करत 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 कहिया आज वही तन मन से वो चिल्हो रानी के मन सेवा ल करत रहीन। तो उमर के भाई जे मन मांगत रही तेहर पूरा हो गई। पसिन मन ला अमर कहना है कि भाई जे प्रकार से वो राजा रानी मन चलाई वही कसु पास हवा तो तुह मन चलावा। ऐसा नहीं है कि तुम मन ल नी देखी, तुमनों के मनोकामना हर पूरा हो ही। हमारे अन धन लक्ष्मी बेटी बेटा सबे दे दे, सबे दे दे, आन धान में घर भर जही, बेटी बेटा में घर भर जही। नहीं ता अबे कहानी जीवतिया के कहानी है तो अब इतनी ठुटगत थे। लेकिन जब कर्मा कर्माहीन मन हले छावे तो एक झटका वो कर्म सुन ले तेकर अपन अपन घर जाबो। नहीं ठीक है, हाँ ता ले, हाँ ले आओ भाई खेल ला। हरे जाबो रे
अब करमाला तो सुने लेकिन अब अपन अपन घरे जाई भाई चिल्हो रानी के भाई सेवा ला करबो वही दिन ले करत आवत है जैसे कि उमन चलाइन ते ही प्रकार से आज पास लाभ ले अब बारी में बुनिन बेतरी अब जीवते कहानी हर आजकल दालो नहीं भेटाएगा अपन अपन जाए जाए ठीक।